तो गाइज अब हम चल पड़े हैं अगले पॉइंट के लिए। अब कौन से पॉइंट जाएंगे हम? रोड टू हेवन जाएंगे गाइज। हम गाइज अभी हम रोड टू हेवन पर हैं। ये बाहर रोड टू हेवन चल रही है। रोड टू हेवन नहीं चल रहे थे, चल हम रहे हैं। वो वहीं की वहीं है। ये देखो गाइज ये वाला नमक कितना वाइट है। उठा लो गए एक चम्मच खा के देखो। मेरा बीपी आसमान छू जाया है। कैसे? गुस्से वाले लोगों को यहाँ। गाइज अब हम रुक चुके हैं यहाँ पे। हम एक पॉइंट पर यहाँ पे फोटोज वगैरह खिंचवा सकते हैं। वहाँ पे वो कपड़े पहन कर मार्केट टाइप में है, वो एक तरह से कपड़े की मार्केट। और इस साइड देखो ये पूरा ब्राउन रेत, यहाँ पूरा ब्राउन रेत है। रेत नहीं है यहाँ पे ब्राउन। ये नमक है, ये वाला नमक खराब हो चुका है और अभी रेत लग रहा है। और वो वाला नमक देखो एकदम वाइट वाइट। भाई साहब हवा बढ़िया चल रही है यार। ये तो दबा दबा सो रहा है चाचा। मुझे खुद रेत छू के देखो भाई। पत्थर है, नमक है, नमक है वैसा है। ये देखो गाइस हम चल रहे हैं सफेद रंग के रेत पे। और ये रेत नहीं है, ये है नमक। नमक है चाचा। सुनो इसे चक्के देखो एक बारी हल्का सा है। चक्के देखो हल्का सा एक बारी देख दाना। सुनो मैंने हल्का साफ सुथरा लेता हूँ ना, समझा ना। हम्म, क्यों बहुत नमकीन है चाचा। मुझे आपसे हटके बहुत नमकीन है। सच में भाई साहब इतना नमक पड़ा यहाँ पे। गाइस अभी मैंने नमक चख के देखा ये वाला। और ये नमक इतना प्योर है, इतना नमकीन नमक है ना, ये बहुत नमकीन नमक है। इस नमक से हम कमाई कर सकते हैं। ये एक अच्छा, सुन देख खा के दिखा एक बार इसे। मैं नहीं खा रहा। खा के दिखा। अच्छा इस नमक से हम बहुत कमाई कर सकते हैं, तुझे पता है। इसे हम नमक को बेच के करोड़पति बन सकते हैं एक दिन। हैं? हाँ ये देखो, ये देखो भाई जी ऊँट का पैर है वाला। उम्मीद है मैं आपको दिखा पा रहा हूँगा। गाइस अब हम इधर से निकल रहे हैं गाड़ी में बैठने के लिए दोबारा। अब हम जाएंगे दूसरी साइड, इसे क्रॉस कर लेंगे पूरा। ये देखो गाइस सारे में नमक ही नमक, इतना नमक है देखो। और ये अभी समुद्र नहीं है, ये ओशन नहीं है गाइस, ये सिर्फ अभी एक लेक है। इतनी बड़ी लेक है देखो। ये देखो गाइस ये हम आ गए मैग्नेटिक जोन में। और देखो आंटी की बोतल कैसे पीछे पीछे जा रही है, ये देखना। ये ए ए ए चल पड़ी भाई साहब। गाइस अभी हम हैं मैग्नेटिक जोन में, ये देखो। और ये कौन सी जगह थी मेरे को ध्यान नहीं, अभी नाम मैं बता दूंगा आपको। करो गाइस न्यूट्रल करो गाइस। गाड़ी कर दी, यहीं खड़ा रहियो। गाड़ी हो चुकी है न्यूट्रल, ठीक है जाओ। हाथ छोड़ दिए, अपने जा रही है। ये देखो गाइस। और प्लेन रोड है एकदम, कोई ऐसा नहीं कोई ढलान है या कोई कुछ है, पूरी प्लेन रोड है। गाइस अब हम पहुंच चुके हैं काला डूंगर में। और अभी हमने बनवाई है मैगी, अब मैगी खाएंगे। और उसके बाद ये मंदिर है इधर की तरफ, इस मंदिर में जाएंगे फिर दर्शन करने। पहले हम मैगी खा लेते हैं, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके गाइस बाय बाय। ये है मैगी हम बनाने वाले भाई, मैगी बनेगी। और ऊपर की साइड वहाँ पर मंदिर है, दिख नहीं रहा यहाँ से। ऊपर की साइड मंदिर है गाइस। हमारी मैगी बनकर रेडी हो चुकी है, इतनी बढ़िया सब्जी वाली मैगी। और शिवा की प्लेन मैगी थी, बाकी हमने तीन वेजिटेबल मैगी बनवाई थी और दो प्लेन मैगी बनवाई थी। तो अब हम इसे फटाफट से निपटाते हैं और फिर चलते हैं मंदिर में। गाइस अब हम सोडा बनवा रहे हैं। मंदिर है श्री गुरु छात्र भाई, समझ नहीं आ रही भाई हमें गुजराती लैंग्वेज पर। मंदिर है अंदर और ऊपर जाएंगे तो वहाँ से 360 व्यू दिखता है ऊपर वहाँ से। और ये क्या है, भोजनालय
लोग प्रसाद पीने का पानी शौचालय। तो गाइज अब हम जा रहे हैं 360 डिग्री व्यू देखने, जहाँ से वो दिखता है व्यू। अब हम ऊपर पहुँच कर आपको दिखाते हैं कैसा लगता है। ये देखो भाई ऊंट कैसा आ रहा है, भागा भागा। देखो दोस्तों कैसे जीने जा रहे हैं, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ऊपर व्यू पॉइंट है शायद। गाइस हम पहुंच गए बस ऊपर। अंकल देखो गाइस कितना अच्छा गा रहे हैं। तो ये लो गाइस आ गए हम सांझी छत पे। सांझी छत पे हमारा स्वागत है। यहाँ मार्केट लगी हुई है कपड़ों की। गाइस देखो हम कितने ऊपर आ चुके हैं। यहाँ से व्यू दिखता है 360 डिग्री। यहाँ से कहते हैं कि अर्थ गोल नजर आता है। ये देखो गाइस ये सामने की तरफ ओशन है। गाइस अभी हम ये देख रहे हैं दूरबीन से BSF का कैंप देख रहे हैं। हमने तो देख लिया, अब भाई दूसरा पॉइंट दिखाएंगे, कौन सा दिखाएंगे पता नहीं। गाइस हमने देख लिया है तीनों पोस्ट। एक तो पोस्ट दिखाया था उन्होंने, चेक पोस्ट, और हनुमान मंदिर दिखाया था एक, और इंडिया का लास्ट विलेज। बस गाइस हम निकल गए हैं। क्या नाम था इस जगह का? रन ऑफ कच्छ आ गए हैं। ठीक है बढ़िया। गाइस अब हम काला डोकरा से वापस आ चुके हैं। अब हम जा रहे हैं वापस सेकंड डे हिल की तरफ। तो गाइस अब हम धोरडो आ गए। अभी दिखाता हूँ आपको पबजी का लैंड हो रहा है। ये देखो गाइस रियल पबजी, वो बंदा लैंडिंग कर रहा है अभी। अरे कहाँ गया? अरे छोटी छोटी बूंदे सबके धो ला रही थी ऊपर करो शीशे सब। वो तेरी वो देखो वो जा रहा जोर जोर बोल जा रहा है वो रेतीला तूफान। गाइस हम पहुंच चुके हैं धोरडो में। यहाँ पर तो पैराग्लाइडिंग हो रही है बहुत। ये देखो गाइस पैराग्लाइडिंग चल रही है। ये देखो गाइस चल क्या रहा है अबे? बस यहाँ पे नाच गाना संगीत। गाइस हम आ चुके हैं वाइट डेजर्ट में, बहुत ही कष्ट और एक रोमांचक सफर के बाद। वाइट डेजर्ट देखो मेरे पीछे पूरा वाइट वाइट है। ये वाइट डेजर्ट नहीं है, स्नो है एक्चुअली ना। हम स्नो में आए हुए हैं। गुजरात के अंदर स्नो पड़ती है। ये सीक्रेट प्लेस है जो किसी को नहीं पता, हमें पता है सिर्फ, और हम किसी को नहीं बताएंगे। इधर आ, मैं कह रहा हूँ हम ये डेजर्ट में नहीं है, हम ये स्नो के अंदर हैं। ये गुजरात के अंदर स्नो पड़ी हुई है पर ये जगह हम किसी को बताएंगे नहीं। ठीक है भाई उसमें टॉपिक में जो वीडियो डालते हैं तो नीचे टॉपिक दिखाना है, उस टॉपिक में लिख दो ना। हाँ बर्फ है ना, ये मैं भागने जा रहा हूँ। बाय गाइस। पानी छोड़ दिया। स्नो हाँ गीला गीला सा लग रहा था। हम आ चुके हैं बर्फ के अंदर, स्नो सिटी हम। मैं भाई स्नो सिटी के अंदर आ गया तू। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो भाई? क्या हो गया भाई? कर 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 कंटिन्यू कर भाई। वो उसमें अगर मैं उसमें पैर रखता ना मैं गिर जाता अंदर ही। क्लच लगा चल रहे हैं। तुम भी जाओ फोन के पानी दी जाएगा भाई। रुक जा यार सब पा रहे हो धंधे आज पहले। गाइस अब यहाँ पर एक शो चलेगा, पता नहीं कौन सा शो चलेगा। उसे देखने के लिए जनता यहाँ पर पागलों की तरह बैठ चुकी है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमें बैठना चाहिए नहीं बैठना चाहिए।
पता नहीं देखेंगे कौन सा शो है, फिर आपको बताते हैं। ये देखो भाई कितने लोग बैठे हुए देखने के लिए। ये देखो गाइस वो कैसे गोलगप्पे खाता है, रूट को भी चटपटे चाहिए होते हैं। इसका इन गोलगप्पे में कुछ गुजारा हो जाएगा। कच्छ यात्रा रिजॉर्ट रन उत्सव, तो चलिए गाइस अब हम चल रहे हैं इसके अंदर। है गाइस हम जा रहे हैं अब रन उत्सव में। अब जैकेट वैकेट पहन लिया हमने थोड़ी डेनिम, क्योंकि यहाँ पे ठंडी हवा चल रही है, यहाँ ठंडी हवा चल रही है तो इस वजह से अब हमें जैकेटें पहननी पड़ गई अपनी अपनी। ये देखो गाइस नाच गाना, जाने ना मुके की ना लगे सस जाने ना मुके गाइस। गाइस अब टाइम आ गया है डिनर का और अब हम डिनर कर रहे हैं। आज के डिनर में है भिंडी की सब्जी और रोटी और पापड़ और गाजर, टमाटर और खीरा, प्याज और ये घी की बर्फी है शायद, ये वाली टेस्ट करके बता दूँ बड़ी आटा की बर्फी है, ये की है, ये करी है और ये आलू की सब्जी है। तो आज के खाने में गाइस ये है, अब इसे फटाफट फिनिश कर लेते हैं और तो चलते हैं रूम में। ये देखो गाइस ये है हमारा रिजॉर्ट, ये देखो ये सारे टेंट्स लगे हुए हैं यहाँ पे, नंबर वाइज 16 17 18 19 20 और पता नहीं कितने टेंट हैं, शायद होंगे 20 25 टेंट हैं यहाँ पे, 20 25 का टेंट हैं। और ये वाला हमारा रूम नंबर है 5। बाकी मैं आपको सुबह रूम का टूर दिखा दूंगा कि कैसा रूम है, और वहाँ सामने के साइड काउंटर है। तो गाइस आपको मैं सुबह रूम दिखाऊंगा, अभी चलते हैं हम सोने के लिए, अभी हमने बॉन फायर करा था ये रहा। चलिए गाइस गुड नाइट, बाय बाय।